लापरवाही सामने आई है, जहां लालगंज के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगाए गए विद्युत ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर में लगाया गया 63 KV विद्युत ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि जद में आकर बिजली विभाग का काम करने वाले कुछ मरीज झुलस भी गए। 4 बिजली का कार्य कर रहे वर्कर गंभीर रूप से घायल हुए। इतना ही नहीं, आसपास के पेड़ भी झुलस गए। झुलसे हुए विद्युत कर्मियों को तत्काल ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट के समय आसपास भगदड़ मची। ब्लास्ट की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाबत CMS ने बताया कि झुलसे हुए लोगों में 2 लोग करीब 30% तक झुलसे तो वहीं 2 लोग लगभग 60% तक झुलस चुके हैं, जिनकी हालत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। पहले प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से अलर्ट रही। बाद में सूचना मिली कि प्रयागराज भेजा गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार हरदोई पहुंचे